कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहली चीज ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों के। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले देखें क्या करना है, फिर डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। रूल नंबर वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होंगे। दो लेंस में से जो आंख के पास पड़ा हुआ लेंस है वो बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान रखना है, बड़ा छोटा। दूसरा, आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को आपने इसके ये जो लेंस है या आंख ये ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस है, इसको ऑब्जेक्ट लेंस या फिर इसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस एक ही बात है, और आंख के पास पड़े हुए लेंस को आई लेंस या आई पीस भी बोला जाता है, आई पीस एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट लेंस है, इसकी फोकल लेंथ एफ जीरो है या एफ ओ है, एफ ओ है। तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखना है, याद रखना वो हमेशा फोकस के बियॉन्ड इधर ही रखना है, ताकि मैं चाहता हूँ इसकी रियल इमेज बने। अगर आपने यहाँ रख दिया फिर वर्चुअल बनेगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको रियल इमेज के लिए इसको यहाँ रखना है। एक रे सीधी जाएगी, एक रे सेंटर में से जाएगी और क्या बनाएगी, इसकी रियल इमेज बनाएगी। तो ये इसने क्या बना दी, इसकी रियल इमेज बना दी, बन गई रियल इमेज। फिर नेक्स्ट है, जो दूसरा लेंस है उसके लिए ये जो इमेज बनी क्या माने जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि ये इसे ऑब्जेक्ट मान के इसकी वर्चुअल इमेज बनाए, जो कि इससे बड़ी बनाए, क्योंकि मेरे को बड़ी चीज देखनी है। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट, इसकी आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई है, ये फोकल लेंथ क्या है, एफ ऑफ ई है। तो आप सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ही इमेज बनाए, ताकि ये इसे ऑब्जेक्ट माने। एक रे सेंटर में से, एक इसके फोकस में से, और क्या बने, इसकी वर्चुअल इमेज बने। तो ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी वर्चुअल इमेज है। तो इमेज काफी बड़ी बनी, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी है और फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है। फिर मैंने कंपेयर करने के लिए क्या किया, जितना साइज ए बी ऑब्जेक्ट का है उतना ये काट दिया, जितना ये साइज है उतना ये काट दिया, और आंख के ऊपर इसकी इसका एंगल बनाया, ये एंगल क्या लिया मैंने, अल्फा, ताकि कंपेयर कर सकूं कि देखो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बहुत बड़ी बनी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और इमेज का एंगल क्या है, बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, अल्फा। तो क्या ये रूल यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर ना जब डायग्राम बनता है उसको बनाने की टेक्निक है। अगर आप सोच लो डायग्राम सीधा बनेगा, मत बनाना सीधा, गलत हो जाएगा। डायग्राम आपने ऐसे बनाना है, सबसे पहले आपने एक लेंस लेना है छोटा, फिर आपने एक और लेंस लेना है जो कि बड़ा, फिर आपने यहाँ आई लिख देना है। आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लेना है जो इसकी फोकल लेंथ एफ ओ के बियॉन्ड है, और ये भी एफ ओ मार्क कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, जो इमेज बनानी है वो इसकी रियल इमेज बनानी है। तो मान लो पहले से ही मैंने क्या बना ली, रियल इमेज बना ली, और इन स्टडी में बाद में रियल इमेज बनाऊँ, मैंने पहले ही बना ली, क्योंकि मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं इमेज यहाँ चाहता हूँ। अब मैं एक स्केल लूंगा, एक रे सीधी, और सीधी में से पास होके फोकस में से पास होके यहाँ पे, और एक सेंटर में से पास होके यहाँ पे, ये लो इमेज बन गई, बन गई इमेज, ठीक हो यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑब्जेक्ट मान लूंगा और मैं चाहता हूँ इसकी वर्चुअल इमेज बने। अब वर्चुअल इमेज मैं सही बनाऊंगा, क्या पता यहाँ बन जाए, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं बने, मान लो यहाँ कहीं बने। तो पहली बात, ये सेंटर है और ये इसकी फोकल लेंथ एफ ई यहाँ कहीं लिख लेना, ताकि बता सको कि फोकल लेंथ आई पी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो एक रे आप सीधी पास करेंगे, एक रे सेंटर में से पास करेंगे, स्केल लेके इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ये लो हो गया, डन, बन गई इमेज। तो आप पहले से डिसाइड कर लें कि ऑब्जेक्ट की इमेज, इमेज का आगे इमेज कैसे बनेगी, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। सीधा बनाएंगे तो फिर पता नहीं यार, मैंने बनवाई थी दूसरे बैच में, एक स्टूडेंट ने यहाँ बना दी, नहीं बनती कई बार, सेटिंग नहीं बैठती। तो आप पहले से ऑब्जेक्ट और इमेज बना लेंगे तो स्केल से सीधे ज्वाइन करना इजी हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, अभी बनाएंगे इसे, दो मिनट रुको। तो ये रूल क्लियर है, पहले ये देख लो। अब इसकी क्या ढूंढनी है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इज टैन बीटा बाय टैन अल्फा। इधर देखो तो इस डायग्राम में टैन बीटा क्या होगा, इस डायग्राम में टैन ऑफ बीटा होगा, ये पूरा ट्राइंगल ले लें, टैन बीटा ये आपकी फाइनल इमेज है, टैन बीटा होगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय दिस ए डबल डैश सी डैश। तो टैन ऑफ बीटा की वैल्यू होगी दिस हाइट
बाय दिस, ये रहा। और टेन अल्फा क्या होगा, ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी डैश, ये होगा। तो टेन बीटा आ गया, टेन अल्फा आ गया, लेकिन ए डबल डैश क्यू को ए भी लिख सकते हैं, ए डबल डैश क्यू को ए भी लिख सकते हैं। डिवाइड किया टेन बीटा टेन अल्फा को, ये वाली टर्म इस टर्म से क्या हो गई, कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान आ गए प्लीज, ये टर्म आ गई। इस टर्म को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो आपने ऐसे करना है कि इस ए डबल डैश बी डबल डैश के नीचे ए डैश बी डैश आ जाए और इस ए बी के ऊपर ए डैश बी डैश आ जाए, ऐसे आ जाए, ठीक। तो इसके अंदर ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश क्या आ गया, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर किसकी आ गई, आई लेंस के लिए, आई पीस के लिए, एम ई। और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मैग्नीफाइंग पावर किसकी आ गई, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर इज एम ए इंटू एमओ, यानी कि टोटल मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होगी, आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर इंटू ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर। पहला रिजल्ट क्लियर है यहां तक, अभी खत्म नहीं हुआ, आपने आगे भी करना है इसमें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर जो आपने लिखा, यहां पर लिख भी सकते हैं, वो क्या लिखी आपने, एम ओ इंटू एम ई, यही किया। अब एक बात बताओ, अगर हम आई पीस की बात करते हैं, अकेले आई पीस की, अकेला आई पीस एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी किया था पिछला केस, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला किया था आज हमने, पिछला डेरिवेशन थी, तो ये तो यहीं से कर लिया। और इसमें ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर पता है क्या बनेगी, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर बनेगी दिस डिस्टेंस जो कि क्या है यहां पर, वी ऑब्जेक्टिव अपॉन दिस डिस्टेंस जो कि क्या है, यू ऑब्जेक्टिव। तो क्या बनेगा, माइनस वी ओ बाय माइनस प्लस वी ओ बाय माइनस यू ओ। तो यहां पर एम ओ की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, एम ई की जगह ये वैल्यू पुट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये मैग्नीफाइंग करेक्शन है यहां पर, ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आएगी, वी ओ बाय माइनस यू ओ, ये एम ओ है और ये एम ई है, एम ओ इंटू एम ई, ठीक। और आपकी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, वो कहती हैं कि जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें साइन कन्वेंशन खुद ही पुट कर लेंगे, या तो क्या ही करना है, तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है, मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, डेरिवेशन यहाँ तक क्लियर है। एक स्पेशल केस है जो ध्यान से देख लें, कई बार ये भी काम आ जाता है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो ये कि वो तो फॉर्मूला आ ही गया, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी ओ बाई यू ओ वन प्लस डी बाई एफ ई। तो वी ओ बाई यू ऑफ ओ, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया, और 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई, ये करवाया, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है। स्पेशल केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है इस फोकल लेंथ के, तो ऐसे केस में यू ओ इज वेरी मच क्लोजर टू एफ ओ, तो यू ओ को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाई टर्म एफ ओ। तो आपकी जो इमेज है, इमेज, ये जो इमेज बनेगी ये वाली, वो यहां नहीं बनेगी, वो दूर बनेगी, काफी पास बनेगी इस लेंस के। इन दोनों लेंस में टोटल दूरी क्या ली जाती है, एल, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये इमेज यहां बनेगी, यहां ना बनते हो यहां बनेगी, तो ये वी ओ अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है, एल, वी ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल, इक्वल टू डी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई होके वी ओ की जगह एल, यू ओ की जगह एफ ओ, तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब ये तब यूज करते हैं न्यूमेरिकली जब यू नॉट मिसिंग होता है, यू नॉट जब पता ही नहीं क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो और वो बहुत पास है फोकल लेंथ के, तो यू नॉट की जगह एफ ओ पुट कर देते हैं, और कई बार वी ओ नहीं पता होता, वहां लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पुट कर देते हैं। जब न्यूमेरिकल आएगा तब करके दिखाऊंगा, फिलहाल यहां तक क्लियर है, ठीक, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं।